सालों से हमारे घर में पूजा होती आ रही है, लेकिन आज तक कोई गड़बड़ नहीं हुई। निराली दीदी, मुझे पता है प्रसाद आप ही ने खराब किया था। मैंने आपको पूजा से पहले किचन में जाते हुए देखा था। 11064, ये नंबर मैंने कहीं तो देखा है। ये तो वही नंबर है जिससे सोनी को मैसेजेस आए थे। जी, मुझे इस नंबर से कॉल्स आए हुए हैं। या, इट्स माय नंबर ओनली। हाँ खन्ना, बोलो, है नहीं अपडेट? जी हाँ सर, काम हो रहा है। खन्ना, मुझे तेजपुर मॉल का नया लेआउट जल्द से जल्द चाहिए। बिल्कुल सर, आपके कहने पे नया आर्किटेक्ट भी अपॉइंट हो गया था, लेकिन सारा डिजाइन रिवर्क करना था ना, इसलिए उसने दोबारा स्क्रैच से काम शुरू किया है, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा सर। टाइम नहीं है खन्ना हमारे पास, मुझे नया लेआउट 24 घंटे के अंदर अंदर चाहिए। और उसको समझाओ कि ब्रीफ को स्ट्रिक्टली फॉलो करे, तेजपुर जनरल स्टोर का एक फुट तो क्या एक इंच भी इधर से उधर नहीं होना चाहिए। उसे याद दिलाओ कि उसे अपॉइंट ही इसीलिए किया गया है कि तेजपुर जनरल स्टोर और मॉल को हमारे लेआउट में एकदम फिट बैठ जाना चाहिए। बोल दिया है सर, बोल दिया है, लेकिन एक कॉम्प्लिकेशन आ रही है। तेजपुर जनरल स्टोर मॉल के बिल्कुल फ्रंट फेसिंग पे आ रहा है। पता है खन्ना, इसीलिए तो हमने सबसे टैलेंटेड और एक्सपेंसिव आर्किटेक्ट को हायर किया है। और प्लीज उसको बोल दो कि 24 घंटे के अंदर मुझे लेआउट चाहिए। और हाँ, इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता लगना चाहिए। किसी को मतलब? किसी को भी नहीं। ओके ओके सर। बारो कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारा दिल और भरोसा नहीं तोड़ सकता। अरे वाह, पता है क्या, मीटिंग इतनी अच्छी गई, सबको मेरा कॉन्सेप्ट इतना पसंद आया। आज तो बचे गए, सुबह से इतनी गड़बड़ हो रही थी, मुझे तो लग रहा था मैं ऑफिस आ ही नहीं पाऊंगी। अरे अरे पारो, लहले ही कॉक बेटा। अरे कैसे, इतनी एक्साइटेड हूँ, आराम से कैसे बात करूँ। आज पता है आपकी बेटी की इतनी तारीफ हुई है, इतनी तारीफ हुई है कि क्या बताऊँ कितनी तारीफ हुई है। अच्छा बाबा बोल, वैसे हम जब घर पहुंचे तो पता चला आज कोई भी स्टाफ नहीं है, फिर इतना सारा खाना किसने बनाया? मैंने। तूने? अकेले? वो क्या है ना, दादी और नानी को बाहर का खाना अलाउड नहीं है, उनके लिए कुछ स्पेसिफिक चीजें बनानी पड़ती है, तो कोई था नहीं तो मैंने ही बना दिया। तू भी ना पारो पागल है, हमें फोन कर लिया होता हम आ जाते तेरा हाथ बटाने, इतना सारा खाना अकेले बनाया। कोई बात नहीं माँ। और क्या गड़बड़ हुई? अरे हाँ माँ, पता है आज मैंने इतना खाना बनाया था, पर बाद में पता चला कि दादी और नानी की तो तबीयत ही खराब है, हीट स्ट्रोक, और उसकी वजह से फिर मुझे खिचड़ी बनानी पड़ी। और पता है मैं आपको ये बात बताना भूल गई, आकाश की माँ ना आज स्टेज से गिर गई थी, उनको बड़ी चोट लगी, वो बैक एक एंड ऑल। आज की सुबह ना बहुत ही स्ट्रेसफुल थी, बट थैंक गॉड कि सब मैनेज हो गया। ओहो मेरी बच्ची, इतना सब कुछ करना पड़ा तुझे अकेले। वो मुझे भी ना आज ही डीलर के पास जाना था, मैं होती तो तेरा हाथ बटा दी थी। माँ चिंता ना करो बा, आपने मुझे इतना अच्छा ट्रेन किया है ना कि मैं 20-25 लोगों के लिए खाना बना सकती हूँ। ये तो खैर सिर्फ दो ही लोग थे। अच्छा चलिए मैं अब रखती हूँ, मैं आपको घर पे आके मिलूंगी। ओके बाय। पारो मैं घर जा रही हूँ, तुम भी साथ चलो। आकाश भैया मीटिंग से डायरेक्ट घर ही आएंगे, वो ऑफिस नहीं आने वाले, तुम मेरे साथ ही चलो। ठीक है, मेरा भी काम खत्म हो ही गया है, तो साथ चलते हैं। इतना सब हो गया, बताया क्यों नहीं? शालिनी कैसी है, डॉक्टर को क्यों नहीं बुलाया? अरे माँ मैं तो फोन करने ही वाली थी, पर भाभी ने अपनी कसम दे दी, कहा कि किसी को नहीं बताना, सब परेशान होंगे, लेकिन अभी वो पहले से बेहतर है और पेन किलर लेके सो रही है। चलो ठीक है, फिर हम लोग भी फ्रेश हो जाते हैं, तब तक शालिनी भी उठ जाएगी, फिर खाना बाहर से ऑर्डर कर लेंगे। अरे नहीं नहीं माँ जी, पारो तो सारा खाना बना कर गई है। ये क्या बात हुई, अरे उसे किचन में जाने की जरूरत क्या थी, उसे तो हेल्प करने वाला भी कोई नहीं था। असल में पारो समझती है कि आप लोगों को बाहर का खाना नहीं चलता है, तो कैसे खाने देती बाहर का खाना? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग तो अक्सर बाहर से खाना मंगा लेते हैं, 2-3 बार हफ्ते में, आज भी बाहर खा के आए। हाँ चलो माँ ठीक है ना, नई बहू को आपकी चिंता है। हाँ लेकिन बिना मतलब बेचारी को इतनी परेशानी उठानी पड़ी, आएगी तो डांटूंगी उसको मैं। अरे वाह कितनी गर्मी हो रही है ना, बैठिए। अरे
धूप और गर्मी से आप लोगों की तबीयत खराब हो गई है ना? ये पी लीजिए, अच्छा महसूस करेंगी। तुझे क्या हुआ यशोदा? मुझे क्या हुआ है? बीमार तो हमेशा तू रहती है, तेरे लिए लाई है। वो आप लोगों को धूप और गर्मी से तबीयत खराब हो गई थी सुना, इसलिए। बीमार हो हमारे दुश्मन, हम तो फिट फाट है, किससे सुना था? वो कुछ नहीं, शायद गलती से सुन लिया होगा मैंने। अगर बात सुनी ही ना हो, ये गलती हो सकती है रूपा, लेकिन ये गलती नहीं हो सकती कि जो बात सुन ली हो वो किसी ने तो जरूर कही होगी। बताइए किसे सुनी अब ये बात? क्या बात है? नहीं कुछ नहीं, वो छोटी सी बात है माँ जी। अरे कोई बात नहीं, छोटी सी बात है तो छोटी सी बात बताओ। असल में आज पारो की जरूरी मीटिंग थी और बिना किसी के मदद के उसने घर का सारा खाना बनाया। फिर निराली जी ने कहा कि आप लोगों का फोन आया था, धूप और गर्मी की वजह से आप लोगों की तबीयत खराब हो गई तो खिचड़ी बनाना पड़ेगा, तो फिर उसने खिचड़ी भी बनाया। हाय रब्बा, फोन तो हमने किया था पर ये कहने के लिए कि आज हमारा चाइनीज खाने का मन है, हम कहाँ कराएंगे? घर पे कोई लंच ना बनाए। मैंडी, निराली ने ऐसा क्यों कहा? कुछ तो बात है। आप लोग इस घर के बड़े हैं, दुनिया देखा है आप लोगों ने, हम छोटे शहर के लोग हैं ना, जो कोई भी कुछ कहे हम भरोसा कर लेते हैं। मेरी पारो भी ऐसी है, भरोसा करने वाली, बड़ों की सेवा करने वाली, किसी की बात नहीं टालती वो। रूपा परेशान मत हो, खुलकर बताओ ना क्या बात है। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि शालिनी जी पारो को स्वीकार नहीं कर पाई है इस घर के लिए। ऐसी कोई बात नहीं है रूपा, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगा? बस एक माँ के मन का एहसास समझ लीजिए, शालिनी जी मेरी बेटी को इस घर के बहू के लिए स्वीकार नहीं कर पाई है। पहली बात, आप अपने दिल से ये चिंता निकाल दो, आप बिल्कुल परेशान मत हो, हम सब ने पारो को दिल से अपनाया है और हम लोग हैं ना यहाँ पारो के लिए हमेशा। हाँ रूपा, बिल्कुल चिंता मत करो। जरूर ये मैसेजेस रिकी के ही होंगे। सो व्हाट्स अप, आगे का क्या प्लान है? सॉरी मैंने सुना नहीं, क्या आगे का क्या प्लान है? आई मीन डैड का बिजनेस ज्वाइन करना है या खुद का कुछ? अभी कुछ सोचा नहीं है। सॉरी एक्चुअली मेरे स्कूल वाले ना रीयूनियन प्लान कर रहे हैं, तो वही ग्रुप पे मैसेजेस आ रहे थे। आई अंडरस्टैंड। स्पैम कॉलर्स यू नो, परेशान करते रहते हैं, ये लोन ले लो वो लोन ले लो। जाइए, दरवाजा खुला है। अरे शालिनी, क्या हुआ? सुबह तो एकदम ठीक थी। क्या हुआ पुत्र? क्या हुआ? हाँ क्या हुआ पुत्र? कुछ नहीं माँ, आज सारा स्टाफ छुट्टी पे था ना, तो बस मैं किचन का काम खत्म करके ऊपर जा ही रही थी, पता नहीं कैसे सीढ़ियों से पैर फिसला और बैक में और पैर में बहुत जोर से लग गई। अब कैसा है दर्द पुत्र? पेन किलर्स लिए हैं माँ, लेकिन ना
चलने फिरने में दिक्कत हो रही है। कोई बात नहीं बेटा, मैं ना तेल गरम करके मालिश करवा दूंगी, तुम्हारा दर्द ना यूं निकल जाएगा। अच्छा सुबह से तुमने कुछ खा भी लिया या सिर्फ पेन किलर ही खा रही हो? हाँ माँ, ब्रेकफास्ट भी खाया और हल्दी वाला दूध भी पी लिया। अच्छा अच्छा, क्या शालिनी एक काम कर बेटा, जरा वो फोन देना, तेरे लिए दवा मंगाती हूँ। हाँ एक। क्या बात है, बड़ी जल्दी ठीक हो गई तू तो। माँ वो शालिनी, बेटा तुमसे बेहतर कौन जानता है कि नई नई बहू को सास के सपोर्ट की कितनी जरूरत होती है। बेटा जब बहू को अपनी सास का साथ मिलता है ना, तब नए घर के हर रिश्ते को वो बहुत खूबसूरती से अपना लेती है। सोच बेटी, अगर तेरी सास तेरा साथ ना देती तो ये तेरी बूढ़ी माँ अकेले अपने घर में जिंदगी काट रही होती। मुझे तो हमेशा से लगता था कि मेरी बेटी दुनिया की सबसे अच्छी सास बनेगी, अपने बहू की ताकत बनेगी। शालिनी, तुझे पुत्र पारो से क्या प्रॉब्लम है? इतनी अच्छी बहू मिली, सारा दिन काम में लगी रही, तूने खुद देखा होगा। चाहती तो ऑफिस जा सकती थी, कह सकती थी मीटिंग है, लेकिन नहीं, तू ना अपने वजूद से बाहर निकल कर उसे देख, तुझे पारो में भी ना सोनी दिखाई देगी। बेटा वो हमारे घर बड़ी उम्मीदें लेकर आई है, उसका दिल मत तोड़ पुत्र, उसे इस घर को अपना घर बनाने का मौका तो दे। शालिनी तो माँ है आकाश की, उसे अच्छी तरह जानती हो तुम। बेटा वो बहुत प्यार करता है पारो से, अगर उसे पता चलेगा कि उसकी माँ ही उसके प्यार की दुश्मन है तो क्या बीतेगी उसके दिल पे, जरा सोच। आकाश ने पुत्र वैसे ही अपनी सारी खुशियां इस घर के लिए कुर्बान करी है, उसे अपने सपने पीछे छोड़ने पड़े हैं। अब ये लड़की आई है उसकी जिंदगी में, उसे देखकर वो थोड़ा मुस्कुराने लगा है, खुश रहने लगा है। उसकी दुश्मन मत बन बेटा, कम से कम आकाश के लिए पारो को एक मौका तो दे। देख शालिनी, शादी के शुरुआत के दिन ही नए घर में हर रिश्ते की बुनियाद होती है। देखो बेटा, तुम इस नए घर में पारो को अपनी जड़ें जमाने का मौका दोगी तभी तो वो इस घर को महका के रखेगी ना। देख बेटा, अगर जड़ें ही कमजोर हो गई ना तो तुम्हारी आगे की जिंदगी भी कड़वाहट में गुजारनी पड़ेगी तुम्हें, जरा सोच ना। देख पुत्र, एक बात और याद रखना, ये जो सास वाली ताकत है ना जिसे तू बहू को अपनी मुट्ठी में रखती है, ये ताकत बहू ही सास को देती है। अगर पारो ने तुम्हारा लिहाज करना छोड़ दिया ना तो तू क्या करेगी? उस लिहाज की कदर कर शालिनी जो पारो की आंखों में है। अगर तूने उसकी आंखों के उस लिहाज की कदर नहीं की ना पुत्र, तो तू एक अच्छी बहू के साथ साथ अपने बेटे को भी खो देगी। चिमी का है, सुबह से दिखी नहीं, वो उसका फोन भी ऑफ है। मेरी बात तो हुई थी सुबह में, बोल रही थी बिजी है। क्या हुआ छोटू भैया, इतने इंपेशेंट क्यों लग रहे हो? हाँ कुछ हुआ है क्या? अरे वो कुछ नहीं, एक्चुअली कल भड़की हुई थी। ओह, मुझे नहीं पता था हमारा पहलवान इतना इंटेंस रोमांटिक है। तू चुप कर। अच्छा मेरा पिज़्ज़ा खाने का मन है, सो कोई इंटरेस्टेड है? एक्चुअली यू गाइस कंटिन्यू, मेरे कुछ प्लान्स हैं। अच्छा कहाँ? मेरे स्कूल वाले एक्चुअली रीयूनियन प्लान कर रहे हैं, तो बस वहीं जा रही थी, फ्रेशन अप होने आई थी। अच्छा कल मिलती हूँ, मुझे आने में लेट हो जाएगा। ठीक है, बाय।
पेन की ये पेन यार। क्या बात है, किसी खास के लिए तैयार हो रही हो? अरे कहाँ पारो, मेरी लाइफ इतनी सैड है, कहाँ किसी खास की जगह है, ये तो बस स्कूल फ्रेंड्स। आई होप तुम जानती हो कि तुम क्या कर रही हो। क्या मतलब? ऑफ कोर्स जानती हूँ, कुछ पुराने फ्रेंड्स मिल रहे हैं। क्या कहना चाहती हो पारो? सी आई नो इट्स नॉट माई प्लेस टू से एनीथिंग, लेकिन अब हम फैमिली हैं राइट? मैं तुमसे एक बात कहूँ, इस उम्र में ना हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। यू सी भरोसा करना बहुत अच्छी बात है, पर उस भरोसे के लिए वक्त लेना भी बहुत अच्छी बात है। और हम लड़कियां ना बहुत जल्दी भरोसा कर लेती हैं, और फिर जब वो भरोसा टूटता है तो सबसे ज़्यादा तकलीफ भी हमें ही होती है। भारो तुम बात को कहाँ से कहाँ ले जा रही हो, क्या हो गया? मैं ठीक हूँ, डोंट वरी। मैं जानती हूँ, मैं बस अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल रही हूँ। कई बार लोग जैसे दिखते हैं ना सोनी, जरूरी नहीं है कि वो वैसे ही हो। भारो सबका एक्सपीरियंस एक जैसा नहीं होता। इट्स रियली स्वीट ऑफ यू, मुझे अच्छा लगा जान के कि तुम मेरी इतनी परवाह करती हो। पर ट्रस्ट मी, मेरे फ्रेंड्स भरोसेमंद हैं, एंड टू अश्योर यू मैं अपना ध्यान रखूंगी। ओके मामा। What do you mean कि तुम पारो से बात नहीं कर पाए? हाँ, मैं पुणे ये सोच के गया था कि जब तक लौटूंगा तुम सब कुछ सॉर्ट आउट करके रखोगे, और सॉर्ट आउट तो दूर, तुमने अभी तक शुरुआत नहीं की। This is utterly irresponsible, आकाश। दो दिन में तुम पारो से बात नहीं कर पाए? यार she's your goddamn wife, इतना क्या सोच रहा है? मैं बात करने वाला ही था डैड। Really? कब कब करने वाले थे? डैड, आप ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनिए, जस्ट टू मिनट्स। इस सिचुएशन को डील करने के लिए मैं एक और बेहतर रास्ता बताऊं तो? बेहतर? रियली? जी डैड। चलो बोलो। डैड मैंने एक नया आर्किटेक्ट हायर किया है, वो इस पूरे प्लान को रीवर्क रीडिजाइन करेगा, एक नया लेआउट बनाएगा, और तेजपुर जनरल स्टोर को बिना छेड़े बल्कि उसे अकोमोडेट करते हुए हम मॉल बनाएंगे डैड। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये सजेशन देने की? Have you gone mad? तेजपुर जनरल स्टोर को नहीं छेड़ेंगे, मॉल का एक बड़ा हिस्सा तेजपुर जनरल स्टोर में रहने देंगे। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? एक बात याद रखिए डैड, मॉल का हिस्सा तेजपुर जनरल स्टोर के पास नहीं, बल्कि तेजपुर जनरल स्टोर का राइटफुल हिस्सा जो कि मॉल हड़पना चाहता है। To hell with your theory, आकाश। तुमने मेरे सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट का मजाक बनाकर रख दिया है। यहां मेरा सब कुछ दांव पे लगा, यू कमिंग अप विद दिस? एक बात ध्यान रखो आकाश, इस मामले का कोई दूसरा हल नहीं है, इसलिए लेआउट चेंज करो और पारो को कॉन्फिडेंस मिलो। इज दैट क्लियर आकाश, या मैं खुद करूं ये काम? देखो दर्शन घर पर ही है, मुझे दो मिनट लगेगा ये बात करने में। नहीं नहीं डैड, मैं बात करता हूं, मैं सही समय देखकर पारो से बात करता हूं। यही सही समय, यही सही समय आकाश। पारो को बाहर लेकर जाओ, उसे कहो कि उसने आज अच्छा काम किया है, मैंने तुम दोनों के लिए सेलिब्रिटी डिनर अरेंज किया है। उसे बाहर लेकर जाओ, उससे बात करो और उसे साइन करवाओ। इज दैट क्लियर? तुम कर रहे हो या फिर मैं करूं? I'll do it. I'll do it. Good. अब मॉम कैसी हैं? ठीक है पुत्र, तू फिकर मत कर। क्या हुआ मामा को? माँ क्या हो गया शालिनी को? कुछ नहीं, पाँव में जरा सी मोच आई है बस। हाँ और वैसे भी
आज का सारा खाना पारो ने अकेले बनाया है, वो भी हम दोनों के लिए खास, क्योंकि आज तो महाराज जी भी नहीं थे और स्टाफ में से भी कोई नहीं था। वाह, क्या बात है पारो, तुमने क्यों बोला? क्या आज तो तुम्हारी मीटिंग भी थी, काफी थक गई होगी। एक मिनट, एक मिनट। मैंने अभी अभी तुम दोनों के लिए टेबल टॉप रेस्टोरेंट में टेबल बुक किया। वहाँ का खाना भी बहुत अच्छा है और एम्बियंस भी बहुत अच्छा है, तुम दोनों काफी एंजॉय करोगे। और इतने हेक्टिक शेड्यूल के बाद एक ब्रेक तो बनता है। शी वुड गो एंजॉय। वैसे बलदेव, तेरे जैसे खड़ूस बंदे से ऐसे सरप्राइज की उम्मीद नहीं थी। स्पीकर ऑन। क्या कर रही हो तुम यहाँ? ये क्या, तुम रिकी का पीछा कर रही हो?